हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए आज हम बनाते हैं चना दाल बड़ा। तो मैं यहाँ पर चने दाल ले ली हूँ। इसे 5 से 6 घंटे तक इसे भिगो करके रखी हूँ। मैं इस कटोरी से 1 कटोरी मैं चने की दाल ली हूँ। और देखिए इसे अच्छे से धो करके मैं इसे सारे पानी निकाल चुकी हूँ। और 2 चम्मच के करीब मैं भर के थोड़ा निकाल लूँगी। और इस सारे चने दाल को मैं मिक्सी में डाल करके इसे पीस लूँगी। मिक्सी जार में डाल करके इसे हमें पीस लेना है। हमें इसमें पानी के नहीं डालना है, बगैर पानी के ही इसे पीसना है हमें। ये दोस्तों मैं पीस चुकी हूँ, ये पेस्ट भी बन चुका है। देख कितना बढ़िया है, ना ज़्यादा ये मोटा है ना ज़्यादा पतला है। मैं यहाँ पर छोटे टुकड़े में प्याज काट चुकी हूँ। ये 2 प्याज है बड़े साइज में। हरी मिर्च ले रही हूँ, 3 हरी मिर्च यहाँ छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। अदरक छोटे टुकड़े में काट चुकी हूँ। लहसुन की कलियाँ छोटे टुकड़े में काट चुकी हूँ। ये हरा धनिया है, इसे भी हम डाल लेते हैं। इसे अच्छे से धो करके छोटे टुकड़े में काटी हूँ। यहाँ 1 चम्मच मैं मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। और यहाँ जीरा काली मिर्च का पाउडर है, हम इसे भी इसमें डाल लेते हैं 1/2 चम्मच। नमक स्वाद अनुसार डालें, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। जो हमने चने दाल निकाले थे उसे भी हम इसमें डाल करके अच्छे से हम मिला लेंगे। आपको यहाँ अगर नींबू का रस डालना हो या आमचूर पाउडर डालना हो तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। इतना बड़ा बड़ा हम पेड़े ले लेंगे, हाथ में तेल लगा लेंगे। इतना बड़ा बड़ा ले करके हम गोल बना करके हम हाथ के हथेली पर रख करके इसे चपटा कर लेंगे। आपको जिस साइज में बनाना है उस साइज में बना सकते हैं। ऐसे ही अपने सारे बड़े को बना लेंगे। देखिए ऐसे ही गोलाकार दे करके हमें इसे बना लेना है, चपटा कर लेना है हाथ की हथेली पर। आपको जब भी फ्राई करना हो तब आप जब भी आपको फ्राई करना है तभी नमक डालें, नहीं तो पानी छोड़ देगा इसमें से। तेल गर्म हो चुका है, मैं अपने सारे बड़े को इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ पर हम मीडियम गैस रखेंगे। आई इसमें हम मीडियम गैस में ही हमें अपने बड़े को फ्राई करना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसका। इफ्तारी के लिए ऐसे ऐसे बड़े बनाएं। देखिए दोस्तों अब हो चुका है, हम इसे अब निकाल लेते हैं। कितना बढ़िया कलर आया है इसका। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।